ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। किसानों वालों प्रदर्शन जोड़ा है किया जा रहा है, उत्थे साढ़े इस वक्त गल करने सोहन सिंह ठंडल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूद है, उन्होंने गल करांगे। ठंडल साहब, किसानों वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं, टोल प्लाजा पर किए जा रहे हैं, या भावें गल करिए की जाए या रिलायंस के पंपा की, किस तरीके देखते? देखो, अज समुचे पंजाब दे विच पिछले एक महीने तो सारिया किसान जथेबंदियां जिहड़ियां आ उह धरनियां ते बैठे आ, उह टोल प्लाजा ते भी बैठे आ, पेट्रोल पंपा ते भी बैठे आ, और रेलवे ट्रैक ते भी बैठे थे। अज भावें उन्हां ने उह अपनी दिशा बदल के वो प्लेटफार्म से आ गए, पर एक बड़ा संघर्ष पूरे पंजाब दे चल रहा, क्योंकि पंजाब दे जिहड़ी किसानी आ उन्हूं अज चिंता है कि जिहड़े तीन बिल सेंटर की सरकार ने पास किए आ वो बिल पंजाब की किसानी नूं तबाह कर देणगे। उहदे विच क्योंकि जे प्रोक्योरमेंट जरूर ठीक नहीं होंगी जां जिहड़ी आ MSP जिहड़ी आ वो नहीं होंगी, तो कल नूं पंजाब दा जिहड़ा किसान वा उहनूं अपनी सारी जिंदगी लाती आ खेतीबाड़ी दे पिछे, उहदा वड्डा नुकसान हो सकता, इकनोमिकली हो सकता। तो इस करके सेंटर की सरकार जिहड़ी आ वो सिर्फ वोट राजनीति नूं देख के दूजियां स्टेटां दे विच चोणां नूं मद्दे रख के उधर पत्ता खेड के अपनियां वोटां लैणियां चाहुंदे आ, वो पंजाब की बली ना देन, इहदे नाल पंजाब का बहुत वड्डा नुकसान हो जाना। और अज जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच सारियां पार्टियां सारियां जिहड़ियां जथेबंदियां अज किसानां दे मगर खड़ियां। आखिरी सवाल, 2022 दे विच विधानसभा दे चुनावों किस तरीके नाल देखदे हो, अकाली दल की अकाली दल दा रहेगा इस बार 2022 दे विच? देखो, अज सारियां पार्टियां आपो अपना जोड़ अजमाई करनी शुरू कर दित्ती आ, पर जिहड़े पंजाब दे लोक समझ गए आ जे पंजाब दे किसानां वास्ते पंजाब दे होर जिहड़े वख-वख वर्ग आ उहनां वास्ते जे किसी पार्टी ने सरकार ने काम किया तो श्रोमणी अकाली दल वा। असीं पिछले जिहड़े 10 साल दे विच पंजाब नूं विकास के पास लैके गए थे, चाहे 4 मरगी 6 मरगी सड़कों दी, बड़े बड़े पुल से, एयरपोर्ट से, जां डिवेलपमेंट की गल से, वो गल्लां अज टोटली बंद हो चुकी हैं। लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस ने पूरा झूठ बोल के वोटा ले लईआं, अज जिहड़ी बाकी पार्टियां वो पार्टियां का कितने को है नहीं। आ जिहड़ा मसला आ इहदे विच भी कांग्रेस बरी नहीं हो रही, ये बिलों में कैप्टन ता ही नहीं खुल के बोलता, ता ही नहीं दिल्ली जाता, और ये सारिया गल्लां सानू पता है कि कैप्टन ने किदां मीटिंग अटेंड कीतियां, इहदे फाइनैंस मिनिस्टर ने कीतियां, इहदे सैकटरी ने मीटिंग कीतियां। तो इस करके बिलों के बच्चों की सहमति है जोड़ा अपना इन्हों का 2017 का इन्हें पंजाब की विधानसभा पास किया वो भी कैंसल नहीं किया। सो इस करके असी ये चाहते थे कि जी सारी मंडी आनू सरकारी मंडी तुम ऐलान दो, कोई प्राइवेट बंदा जोड़ा वो बढ़ूगा ही नहीं, आपे नहीं कोई गल होगी उन्होंने नहीं कर रहा, यदा मतलब कितना कितने कांग्रेस का जी सरकार वा ये रड़ी हुई है उस पास। तो लोग सिंह बादल ने भी कहा कल कि जेडे अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह कि शायद ये अपनी अद्धे बंदे लैके BJP शामिल हो जाए। देखो, ये सानू शंका है कि जेड़ा बोलता नहीं, ना दिल्ली जाता, ना वो गल करता, हूँ अपने MPA नूं कहता तुसीं जाके गल करो। ये कितने कितने गल जरूर हैगी है कि की कारण वा, क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी स्टेट की गल सेंटर के अगे नहीं रख रहा, क्यों प्रधानमंत्री या होर बंदे नहीं रहे, भी गल स्पष्ट करनी चाहिए है। सो इस करके सानू श्रोमणी अकाली दल नूं बिल्कुल जो असी देख रहे हैं कि असी हमेशा पंजाब के हितों लिए लड़े हाँ, खड़े हाँ, अज भी खड़े हाँ, और 22 दे विच जिहड़ा आना वाला टाइम आ रहा उहदे विच जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल वो बड़े बहुमत नाल अपनी सरकार पंजाब विच वो बनाऊगा। ये सन साढ़े नाल पूर्व कैबिनेट मंत्री सोहन सिंह ठंडल जी, साफ कहना है किसानी के मुद्दे पर अकाली दल किसानों के नाल खड़ी है, और आने वाले 2022 के चुनावों में भी अकाली दल जरूर जिहड़ी पंजाब दे विच जित हासिल करेगी। होशियारपुर तो अभिषेक भाटिया, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब।